हेट नहीं करूंगी, हेट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आई थिंक आई कैन लूज रिस्पेक्ट फॉर सम क्रिएटर्स हु डू दिस. थोड़ी सी आ जाओ बेटा, रिव्यू करना है मुझे, थोड़ी सी निकल जाओ. हेलो एवरीवन, माय नेम इज कशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी वेयर एवर यू आर. आज मैं बात करने वाली हूँ जून फेवरेट्स की. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट डाइजेस्ट द फैक्ट कि आधा साल खत्म हो चुका है. मतलब कहाँ जा रहा है टाइम, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, काम करते जा रहे हैं फिर भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार अभी बहुत कुछ अचीव करने को. आप बताओ आपके क्या गोल्स थे इस साल के, वो थोड़े से अचीव हुए नहीं हुए, जो आपने रेजोल्यूशन रखा था उस पर वर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे. मैंने फर्स्ट रेजोल्यूशन जो बनाया था उस पर मैंने लास्ट वीक ही वर्क करना शुरू कर दिया, विच इज जिमिंग. अब मैं हेल्थ पर अपनी फोकस कर रही हूँ. जो भी लड़के मुझे इंस्टा पर डीएम कर रही थी, आप तो बहुत पतले हो दीदी, आपको जरूरत नहीं है. मैं पतली हूँ ओवरऑल, लेकिन मेरा टमी बहुत ज्यादा ब्लोटेड है, मेरा फेस आजकल बहुत ज्यादा ब्लोट, मतलब अजीब सा रहता है. मेरा जो फैट अब आ रहा है ना, वो अननेसेसरी जगह पर आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सा टोन करना था. प्लस मेरा स्टैमिना काफी खराब हो चुका है, तो स्टैमिना बिल्डअप के लिए मुझे जिम जाना था. सो रेजोल्यूशन नंबर वन मेरा हो चुका है, एंड आई होप आप सबके भी गोल्स एंड ऑल अचीव हो जाए. आजकल मुझे बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है, मतलब आई डोंट नो, व्हेनेवर आई ओपन यूट्यूब किसी ना किसी की वीडियो दिख जाती है, बाइंग अ कार एट दिस, बाइंग अ हाउस एट दिस एज, डूइंग एन इंटरनेशनल ट्रिप एट दिस एज, मतलब वो इतना ज्यादा मुझे ट्रिगर करता है ना, बिकॉज आई एम 27 राइट नाउ. मैंने कोई कार नहीं ली, मैंने अभी तक कोई घर नहीं लिया, मैंने अभी तक कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं करी, मैंने इतना कोई एक्सपेंसिव परचेज या फिर लग्जरी आइटम नहीं लिया अपने लिए. दो आई एम अर्निंग गुड, मैं बहुत अच्छा सिक्स फिगर में अर्न कर रही हूँ, बट आई डोंट नो, मेरे अंदर अभी भी है कि मैं सेव करना चाहती हूँ. मुझे अभी वो अंदर से आ नहीं रहा कि मुझे कुछ लग्जरी लेना ही लेना है. मैंने अब जाके लास्ट वीक एक बहुत बड़ी परचेज करी है, जो अगेन मेरा 2022 की गोल लिस्ट में था, बहुत टाइम से आउट ऑफ स्टॉक था, वो फाइनली स्टॉक में आया. मैंने उसको ऑर्डर प्लेस किया और तब भी मेरे हाथ कांप रहे थे, बिकॉज आई एम समवन जो इतना स्पेंड नहीं करती. मुझे सेविंग्स की साइड रहना ज़्यादा पसंद है. जितना मैं अफोर्डेबल लाइफस्टाइल जी सकती हूँ, मैं उतना जीने की कोशिश करती हूँ. एंड मैं अननेसेसरी अभी महंगे लग्जरी आइटम में नहीं इन्वेस्ट करना चाहती, बिकॉज अभी मेरी लाइफ की नेसेसिटीज़ हैं जो पूरी नहीं हुई. एंड आई ऑलवेज से नेसेसिटीज़ पूरी करो फिर लग्जरी लो, बिकॉज लग्जरी लेने का कोई सेंस नहीं बनता अगर आपकी लाइफ में नेसेसिटीज़ अभी पड़ी हुई हैं. सो यही मैं फालतू की रैंट क्यों दे रही हूँ, बट आई डोंट नो, मुझे आप सबसे ऐसी बात करनी थी, मुझे लगा मंथली फेवरेट में पहले बात कर लेती हूँ. सो या अगर आप सब भी इन चीज़ों को देख के ट्रिगर हो रहे हो ना, जो आजकल हो रहा है एट दिस एज 20, 21, 22, कुछ नहीं होता यार, मैं 27 की हूँ, मैंने भी इतना कुछ वाव वाला कुछ अभी तक खरीदा नहीं है. एंड इट्स फाइन यार, मैं भी जब ये वीडियोस देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, ट्रिगर करता है कि यार इतनी यंग एज में इन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया और मैं अभी तक ऐसे बैठी हूँ. बट ऐसा नहीं है, हम सबकी अपनी जर्नी अलग होती है, सबकी ग्रोथ, सबकी अपनी जर्नी, सबका करियरग्राफ अलग होता है. आई नो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस करी है ना बैड वे, एंड मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, मैं हेट नहीं करूँगी, हेट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट आई थिंक आई कैन लूज रिस्पेक्ट फॉर सम क्रिएटर्स हु डू दिस वेरी वेरी कॉन्स्टेंटली. एंड या इट्स नॉट डूइंग अ गुड इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. बहुत सारे यंग बच्चे हैं आजकल जो हमारा चैनल देखते हैं, हमारा कॉन्टेंट देखते हैं, और वो थोड़ा सा हो रहे हैं ट्रिगर. एंड कॉन्टेंट को कॉन्टेंट की तरह देखो, उससे ज़्यादा दिल पर मत लिया करो, बिकॉज होता है काफ़ी बार हम किसी क्रिएटर से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि उनकी हर एक एक्शन हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं. तो थोड़ा सा ना डिटैचमेंट बना के रखो. आजकल यंग ऑडियंस बहुत जल्दी अटैच हो जाती है क्रिएटर से, फिर उनकी जो एक्सट्रीम ग्रोथ आप देखते हो, आप तब बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हो. आई वुड से डिटैचमेंट रखो, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो ताकि आप ट्रिगर भी ना हो. इसी तरीके से मैं भी वर्क करती हूँ, एंड आई ऑलवेज से मे से भी प्यार करो, मेरा कॉन्टेंट देखो, लेकिन इतनी एक्सट्रीम अटैचमेंट मत रखना कि लाइफ में हम कुछ भी करें तो वो चीज़ आपको एक्सट्रीमली ट्रिगर कर जाए. एंड यार मैंने जो फालतू का ज्ञान दिया ना, बट ज्ञान की बात नहीं है, ये चीज़ मेरे अंदर बहुत टाइम से बैठी हुई थी. एंड मतलब जो मैंने वो चीज़ ऑर्डर पर करी थी ना, आई वाज लाइक कशिका इतने सारे क्रिएटर्स इतनी एक्सपेंसिव चीज़ों में पैसा लगा रहे हो और तू एक बेसिक चीज़ नहीं ले पा रही जो मेरे बिजनेस के लिए, मेरे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देन आई वाज लाइक प्लेस ऑर्डर, यस यू कैन डू इट. एंड फाइनली मैंने फुल पेमेंट करके ऑर्डर प्लेस किया. अभी तक वो चीज़ रिसीव नहीं हुई है, जब आएगी मैं बताऊंगी. नो इट्स नॉट अ लग्जरी आइटम, इट इज़ अ नेसेसिटी इन माय लाइफ, एंड यू विल लेट आई विल लेट यू नो. मैं टंग टायर्ड हो रही हूँ, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. स्टार्टिंग विद स्किन केयर एज यूजुअल, सबसे पहले जो मेरा फेवरेट स्किन केयर प्रोडक्ट रहा है इन द मंथ ऑफ जून, वो है ये फेस वॉश बाय डॉटन की. यह डॉटन की का सीका कामिंग ब्लेमिश क्लियरिंग फेस वॉश. दिस इज ऑल द पैकेजिंग लुक्स लाइक. आपको क्वान्टिटी काफी अच्छी मिलती है. दिस इज सैल्सिलिक एसिड एंड ग्रीन टी बेस्ड फेस वॉश. सो ये बहुत अच्छे से स्किन को क्लेंस करता है. मेरी स्किन ड्राई नहीं फील होती, स्ट्रिप्ड ऑफ फील नहीं होती. और ये जो डॉटन की सीका रेंज है ना, ये तो स्पेसिफिकली ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए बनी. मैंने इसकी पूरी रेंज का रील रिव्यू किया था. इनका फेस वॉश, इनका टोनर, इनका नाइट जेल मुझे बहुत पसंद है. दैट इज रियली गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन रात को लगाने के लिए. और ये फेस वॉश भी बहुत अच्छा है. अब तो इन्होंने सनस्क्रीन भी लॉन्च कर दिया इस रेंज की, जो मैं फ्यूचर में प्रॉपर रिव्यू करूंगी. अभी मैं थोड़े यूज कर रही हूँ प्रॉपर, अभी डेडिकेटेड रिव्यूज का नहीं दे सकती, बट दिस इज रियली नाइस. इसके अंदर और भी बहुत अच्छे इंग्रीडियंट्स हैं जो एक्ने प्रोन स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. सो इफ यू हैव एक्ने ऑयली स्किन, आई वुड से रात के लिए सबसे बेस्ट क्लेंजर. नेक्स्ट अब इज अ सनस्क्रीन फ्रॉम एक्वालॉजिका. जो लोग मेरी वीडियोज को रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा हाउ मच आई लव्ड इट. मैंने
इंटीग्रेशन स्पॉन्सरशिप करी थी इस ब्रांड के साथ, Q&A वाली वीडियो में आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने इसका मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन यूज करी थी, ये रेंज बहुत अच्छी है। सो ये एक्वालॉजिका की ग्लो प्लस डूई सनस्क्रीन विद पपाया वाइटामिन सी रिजर्व्ड लुक्स लाइक। इसके अंदर है SPF 50 विद UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, PA++ की आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है विच इज रियली गुड। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस सनस्क्रीन इज ये हैवी नहीं फील होती, आई जस्ट शो यू द टेक्सचर। मतलब इसका एकदम पतला टेक्सचर है जो काफी जेली जेली फील होता है, बिल्कुल भी हैवी क्रीमी फील नहीं होता, कोई इसकी व्हाइट कास्ट नहीं आती। एंड वंस यू ब्लेंड इट इनटू योर स्किन ये बहुत अच्छी ड्यूइनेस देता है। लाइक लुक एट दिस, ये वाली एक बार स्किन देखो और ये वाली स्किन देखो, दिस इज नॉट लाइक मैट एंड डल, और यहाँ कितनी अच्छी एक ड्यूइनेस शाइनीनेस आई है। अगर आपको ड्यूई मेकअप पसंद है, यू लाइक योर स्किन टू बी स्लाइटली नाइस ड्यूई शाइनी हेल्दी, तो ये सनस्क्रीन काफी अच्छी है। जैसे मैंने आज ये नहीं लगाई है, आज मैंने डर्माकोल की सनस्क्रीन लगाई है जो मैं फ्यूचर रिव्यू के लिए टेस्ट कर रही हूँ। सो वो काफी मैट है, यू कैन सी अब मेरा जो पूरा मेकअप टर्न आउट हुआ है इट्स वेरी मैट। मैंने आज हाईलाइटर भी लगाया, मैं भूल गई हाईलाइटर लगाना, तो इतना कोई ग्लो मेरी स्किन नहीं करी। हल्का फुल्का जो आ रहा है वो लिप एंड चीक टंट की वजह से आ रहा है, लेकिन प्रीवियस PR हॉल में मेरी स्किन काफी ज्यादा ग्लो करी थी, शाइनी लग रही थी, उसमें मैंने यही सनस्क्रीन यूज करी थी। सो अगर आप ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, आपको थोड़ा बहुत मेकअप करना है तो आप ये बेस पर यूज करो। इसके ऊपर जब आप BB या CC क्रीम भी लगाओगे ना, वो बहुत अच्छी ड्यूइनेस और शाइनेस देगी, वो ग्रीसी नहीं होगी लेकिन एक अच्छी ड्यूइनेस देगी। सो दिस इज रियली नाइस। नेक्स्ट अप आई हैव टू मॉइस्चराइजर्स। लास्ट में ना मैंने सीरम्स पे इतना कोई एक्सपेरिमेंटेशन नहीं किया, मैं जो सीरम्स यूज करती आ रही थी मैंने वही यूज करे थे, लेकिन मैंने मॉइस्चराइजर्स काफी अच्छे से यूज करे हैं। बिकॉज जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना, मैं अच्छे स्किन को आजकल मॉइस्चराइज करती हूँ फिर मेकअप करती हूँ, दैट इज लाइक माई न्यू सीक्रेट ऑफ नाइस डूई मेकअप। अब मैं बिल्कुल मैट अपनी स्किन को नहीं छोड़ती, बिकॉज जब उसके ऊपर मेकअप करो ना तो मेरा मेकअप बहुत क्रैक होता था, थोड़ी देर बाद ही वो अजीब से पैचेस पड़ते थे। अब तो मैं लिटरली ग्रीस बॉल सॉर्ट ऑफ बना लेती हूँ थोड़ी सी अपनी स्किन को, फिर मेकअप करती हूँ तो मेकअप भी अच्छा टर्न आउट होता है। तो सबसे पहले जो मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर लगा जो मैं लिटरली खत्म कर दिया, अब ये मेरे एम्प्टीज के बॉक्स में जाने वाला है, वो है ये क्लेयर्स का रिच मॉइस्ट सूदिंग क्रीम। ये इनका छोटे वाला साइज है जो ऑलमोस्ट 500 समथिंग का आता है। यस, काफी एक्सपेंसिव ब्रांड है, इतना सा ट्रायल मतलब टेस्टर लग रहा है मेरे को तो, ये भी 400 समथिंग का आता है। बिकॉज क्लेयर्स इज एन एक्सपेंसिव ब्रांड, ये मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट था क्लेयर्स ब्रांड में से एंड आई लव्ड इट। मतलब मैंने इसको अपने विशलिस्ट में डाल के रखा हुआ है बहुत सारी वेबसाइट्स पर, जब भी किसी वेबसाइट पर डील पर आएगा ना मैं इसको दोबारा परचेज करने वाली हूँ, बिकॉज आई लव्ड इट। ये इतना अच्छे से मेरी स्किन को काम डाउन किया है ना इसने, जो भी रेडनेस हो जाती है, जो भी काफी बार रैशेस पड़ जाते हैं, एक्ने वैसे बहुत ज्यादा स्किन रेड रेड दिखती है, उसको इतने अच्छे से सूद कर देता है। ये रिप्लेनिश करता है, जेंटल एंड सूदिंग है, नॉन ग्रीसी इसकी फिनिश है, क्लेम्स डेफिनेटली इसके ट्रू है। व्हाइट कलर का इसका क्रीमी टेक्सचर है, अब ये नहीं निकलेगी बिकॉज मैंने निचोड़ दिया बिल्कुल, थोड़ी सी भी नहीं आएगी, नहीं आएगी, थोड़ी सी आ जाओ बेटा रिव्यू करना है मुझे, थोड़ी सी निकल जाओ, नहीं निकल रही, नहीं मैंने पूरी नहीं छोड़ दिया, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने ये बहुत ज़्यादा यूज़ करी थी, आई लव्ड इट। अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो स्किन केयर में ना, आई वुड से ट्राई दिस वन। एंड माय रीसेंट फेवरेट मॉइस्चराइजर इज दिस वन, ये है न्यूट्रोजेना का ब्राइट बूस्ट जेल क्रीम। सो न्यूट्रोजेना की जो ब्लू वाली पहले रेंज आती थी उसका नाम था हाइड्रो बूस्ट, सो इट वॉज मोर अबाउट हाइड्रेशन, जो स्किन पे ग्लो लेके आती है, ड्यूइनेस लेके आती है। एंड दिस वन इज ग्लो बूस्ट, ये मतलब हाइड्रेशन भी देती है लेकिन ये ग्लो बहुत अच्छा देती है। सो मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया, मैं जिम जाने से पहले इसको एक दो दिन यूज़ किया, लाइक स्किन मतलब बहुत अच्छी शाइन कर रही थी, ग्लॉसी सी लग रही थी। फिर मैंने थर्ड और फोर्थ डे एकदम शीशे के पास घुसकर जाके देखा, इसके अंदर बहुत फाइन, मतलब आई डोंट थिंक सो आप भी अच्छे से कैचअप कर पाओगे, इसके अंदर बहुत फाइन शिमर पार्टिकल्स हैं, शिमर भी नहीं बोलूंगी, जैसे मैक की स्ट्रोक क्रीम आती है ना इसका बिल्कुल वैसा फील आता है, बिल्कुल लाइट है और ये बहुत अच्छी ग्लॉसीनेस देती है स्किन को। मतलब इसको जब लगाओ ना स्किन वैसी अजीब सी ग्लॉसी लगती है, एंड आई लव इट। अजीब सी बोला मैंने, अजीब सी लगती है, अच्छी वाली ग्लॉसी लगती है। सो ये छोटे वाला है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, न्यूट्रोजेना का हाइड्रो जो रेंज आती है ना ऑलमोस्ट प्राइस पॉइंट इन्होंने ऐसे ही रखा है। ये छोटे वाला टब भी आपको आई थिंक 4 समथिंग का मिलेगा और बड़े वाला आपको 1100-1200 का मिलता है। सो अगर आप थोड़ा सा स्प्लर्ज कर सकते हो, अगर आपको न्यूट्रोजेना हाइड्रो बूस्ट सूट करता है ना तो ये भी आपको डेफिनेटली सूट करेगा। द ओनली कॉनेस फ्रेग्रेंस, हल्की सी फ्रेग्रेंस है इसमें लेकिन उसने मुझे इरिटेट नहीं किया, मुझे हाइड्रो बूस्ट की फ्रेग्रेंस भी इरिटेट नहीं करती, वो वैसे फील होती है लगाते वक्त कितनी ज़्यादा खुशबू है लेकिन वो स्किन को इरिटेट नहीं करती। इसका भी सेम सीन है, आई लव्ड इट, टेक्सचर बहुत अच्छा है, मेकअप करने से पहले बहुत सही है। मैं रिसेंटली जब पार्टी में गई थी मैंने इसी को अच्छे से लगाया था अपनी स्किन पर और इसके ऊपर मेरा मेकअप बहुत अच्छे से स्टे हुआ था, अच्छा ग्लॉसी और ड्यूई भी लग रहा था। सो दिस इज अगेन रियली नाइस। एलोवेरा जेल फ्रॉम द सेम रेंज, जो ये सनस्क्रीन है ना एक्वालॉजिका की सेम रेंज का ये एलोवेरा जेल है, और जब मैंने प्रीवियस अनबॉक्सिंग करी थी ना PR हॉल की उसमें नहीं दिखाया बिकॉज मैं दिखाना ही भूल गई थी, मैंने इसको ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ था, मैं यूज कर रही थी तो जब मैं PR के लिए सारा सामान दोबारा वापस रख रही थी ना मैं इसको रखना भूल गई थी, बट ये मुझे उस टाइम इनके रेंज में ही रिसीव हुआ था। इनकी ग्लो रेंज में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, फेस वॉश आता है, मॉइस्चराइजर आता है, नाइट जेल आता है, फेस मास्क आता है, एक ग्लो की ड्रॉप्स आती है और उसमें ये एलोवेरा जेल भी आता है, ये मैंने आते ही यूज करना शुरू कर दिया था।
सो ये भी एकदम ट्रांसपेरेंट है, इसमें इन्होंने कोई भी तरह का कलर नहीं डाला हुआ है. यू कैन सी एकदम ट्रांसपेरेंट लाइट फील होता है स्किन पर, और ये भी काफ़ी सही मुझे लगा स्किन के लिए. अगर आप शेविंग करते हो, लाइक मैं फेस को शेव करती हूँ काफ़ी बार, तो मैं ऐसा एलोवेरा जेल लगाना पसंद करती हूँ. इसके ऊपर जब शेव करो ना तो शेविंग काफ़ी स्मूथ होती है, फ्रिक्शन नहीं आता, कोई कट नहीं पड़ते. और ये भी जो एलोवेरा जेल है ये भी ग्लो एक्टिवेटेड एलोवेरा जेल है. इसमें पपाया है, वाइटामिन सी है जो ब्राइटन अप करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है. सो अगर आप रात के लिए भी कुछ देख रहे हो ना, नाइट जेल की तरह थोड़ा बहुत यूज़ करना चाहते हो, आप रेगुलर एलोवेरा जेल की जगह ये यूज़ कर सकते हो, बिकॉज क्वांटिटी आपको काफ़ी सही मिल रही है. इनका जो नाइट जेल आता है वो ऐसे टब में छोटू सा आता है, लेकिन ये एलोवेरा जेल की क्वांटिटी आपको काफ़ी सही मिलती है फॉर द प्राइस पॉइंट. तो ये डेफिनेटली आप रात को यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छी हाइड्रेशन देता है, नरिशमेंट देता है स्किन को. सो दीज टू आर डेफिनेटली माय फेवरेट फ्रॉम द ग्लो रेंज. कमिंग टू माय फेवरेट लिप प्रोडक्ट, सबसे पहला जो मेरा फेवरेट रहा है वो है ये फेस शॉप का वाटर फिट टिंट एक्स. ये मुझे बहुत टाइम से लेना था, सो फाइनली मैंने लास्ट मंथ ये परचेज कर लिया था. दिस इज इन द शेड रोज पिंक. मुझे देखना था कि इसकी क्या हाइप है, पीपल कॉल इट कि ये ड्यूब है बेनेटिंट का, सस्ता ड्यूब, तो मुझे लगा लेके देखती हूँ. सो ये बेसिकली क्या है, बिल्कुल पानी जैसा. आपको जो बाकी टिंट मिलते हैं लिप एंड चीक टिंट मार्केट में, तो वो तो या तो थिक होते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर वो टफ पैकेजिंग में आते हैं, लेकिन ये एकदम पानी जैसा टिंट है जो पता भी नहीं चलता. अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंड कर दोगे ना तो लिटरली गायब हो जाता है स्किन से. सो दिस इज वेरी नाइस फॉर पीपल जिनको बहुत हल्का मेकअप करना पसंद है, वो लाइक एकदम टच ऑफ मेकअप लगे, इतना लाउड ना लगे. अगर आप एवरीडे ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, एकदम माइल्ड सा मेकअप चाहिए, दिस इज रियली नाइस. को मैं आजकल जिम जाते हुए लगा के जाती हूँ, बिकॉज आई रियली लाइक इट. बिल्कुल भी हैवी नहीं फील होता, वो लिपस्टिक लिप बाम वाला हैवीनेस नहीं फील होती, एक कलर आ जाता है लिप्स पर जो अच्छा भी लगता है, फेस एटलीस्ट मेरा डल नहीं लगता, बिकॉज मैं मेकअप करके नहीं जाती हूँ जिम में. सो आई रियली लाइक इट. इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लेके डैप डैप कर लेती हूँ, और जो थोड़ा बहुत बचता है उसको यहाँ पे भी लगा लेती हूँ, या फिर स्किप कर देती हूँ. बट दिस इज रियली गुड फॉर एवरीडे मेकअप. इसका जो रेड कलर का टिंट है ना, वो काफी टाइम तक स्टे करता है आपके लिप से. इनफैक्ट आपको अंदर से थोड़ी थोड़ी फेडिंग शायद आनी शुरू हो जाए, लेकिन बॉर्डर पे तो ये एकदम स्टे करता है 1, 2, 3, 4, 5 घंटे तक. सो मैं इसको काफी बार लिपस्टिक के बेस पर भी यूज कर लेती हूँ, सो दैट अगर मेरी लिपस्टिक फेड हो जाए ना तो इसका टिंट का कलर थोड़ा बहुत इंटैक्ट रहे. सो आई रियली लाइक इट. नेक्स्ट अप इज अ लिपस्टिक फ्रॉम कीरो ब्यूटी, जो बेसिकली ग्लॉसी बटरी सॉर्ट ऑफ फॉर्मुला है, इन द शेड स्टोन लिली. सो ये क्या है, ये शेड काफी लाइट था स्टार्टिंग में, जब मेरे पास पीआर में आया था ना, ऑलमोस्ट 6-7 महीने हो चुके हैं, तब ये बहुत लाइट होता था, और मैं जब लगाती थी मुझे बड़ा वॉश ऑफ करता था. सो उसके बाद मैं इसको क्या करना शुरू किया, मेरी जितनी भी डार्क लिपस्टिक थी ना, मैं उसके ऊपर इसको लगा लेती थी, बिकॉज जितनी मेरी मैट लिपस्टिक होती है इसको चैप करती है, क्रैक करती है. ये ग्लॉसी बटरी फॉर्मुला है, ये उसको नरिशमेंट भी देता है, और इसका लाइट कलर वो डार्क के साथ मिलकर एक बहुत अच्छा कस्टमाइज कलर भी बन जाता है. आज ही मैंने क्या किया, मैंने ये नायका की गॉसिप डोज लगाई है, जो वैसे मैट नहीं है इतनी, ये डेमी मैट सॉर्ट ऑफ फिनिश देती है, उसके ऊपर मैंने ये लगाई, बिकॉज ये बहुत डार्क है, मुझे पर्सनली इतना डार्क शेड पसंद नहीं है. और उसके ऊपर जब मैंने ये वाला शेड लगाया ना, तो बहुत अच्छे से उसको बैलेंस आउट कर रहा था, एक कस्टमाइज शेड बन जाता है. नेक्स्ट आई हैव अ लिप बाम फ्रॉम TNW व्हिच क्रिएटेड अ लॉट ऑफ हाइप ऑन माय इंस्टाग्राम स्टोरीज. सो इंस्टाग्राम पर क्या हुआ, लास्ट वीक ना मैंने एक स्टोरी डालती सुबह सुबह की, जिसमें चाय पी रही थी, मतलब मेरा आर्म बहुत दर्द कर रहा है, मेरे से चाय नहीं उठाई जा रही, बिकॉज वेट ट्रेनिंग मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं करी है, मैंने अब जाके फर्स्ट टाइम शुरू करी है जिम में, एंड लिटरली अभी मेरा पूरा एरिया दर्द कर रहा है, मेरे से ऐसे हिलाया भी नहीं जा रहा. सो स्टोरी में मैंने नोटिस किया कि मेरे लिप्स काफी पिंक लग रहे हैं, मैंने रात को उस दिन ये फर्स्ट टाइम लगाया था, और नेक्स्ट डे तक मेरे लिप्स एकदम पिंक और लाइक नरिश लग रहे थे. सो काफी लड़कियों डीएम आया, बताओ कौन सा लिप बाम है, बताओ कौन सा लिप बाम है. सो फाइनली मैंने बताया, ये फ्रॉम TNW, ये मैंने खुद खरीदा था. ये TNW का टिंटेड लिप बाम फॉर शाइन नेचुरल टिंट, ये बाय द वे रोज और शिया बटर वाला वेरिएंट है, दिस इज मेड इन इंडिया एंड दिस इज सो सो गुड. सो ये जो रोज वेरिएंट है ना, ये कुछ दिखता है इस तरह से, बहुत लाइट इसका टेंट आता है, बिल्कुल भी डार्क नहीं लगता, लाइक यू कैन सी काफ़ी लाइट है, इतना कोई डार्क चटैक नहीं लगता. बट इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छे से लाइक लिप्स के ऊपर हैवी फील नहीं कराता, कोई लेयर नहीं बनाता. इसमें पेट्रोलियम जेली नहीं है, बाय द वे मैंने इसके पैकेजिंग पर पढ़ा था, इट हैज़ नो पेट्रोलियम जेली, दिस इज़ ऑर्गेनिक इंग्रीडियंट से बना है, 8 आवर्स की मॉइस्चराइजेशन देता है, नॉन इरिटेंट है बाय द वे ये. इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, रोज ऑयल है, कोकोआ बटर है, शिया बटर है. आई लव इट. ये अमेजोन पर ना हमेशा डील पर आपको मिल जाएगा सस्ते में, so I would say grab this one, you will love it. Next is a very random product, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैं feature कर रही हूँ. So June month में I guess last month के around ही मैंने नया नया निकाला था, इनफैक्ट मैंने लिया 1 साल पहले था, आपने मेरे डेफिनेटली कोई लास्ट ईयर के Amazon हॉल में देखा होगा. ये फ्रॉम द ब्रांड एल्योर, ये उनका 142 नंबर का कंसीलर ब्रश है. दिस ऑफ द ब्रांडिंग लुक्स लाइक एल्योर एंड दिस ऑफ द ब्रश लुक्स लाइक आई लव इट. मैं इसको कॉन्टिन्यूसली जून मंथ में मैंने इसको यूज किया है. मैं ये करती हूँ, मैं आजकल कलर करेक्शन करती हूँ, थोड़ा बहुत ऑरेंज कंसीलर लगाती हूँ
फाउंडेशन लगाने से पहले ताकि एक्ने मार्क्स एंड ऑल हाइड हो जाए. इससे बहुत अच्छे से लगता है, इसकी डेंसिटी मुझे बहुत अच्छी लगी. सो ये एल्योर ब्रांड के मुझे ब्रशेस अच्छे लगे, मैंने अमेजोन से लिया था. मैं डेफिनेटली इस ब्रांड को और सर्च करूंगी और इनके ब्रशेस ढूंढूंगी. आई रियली लाइक द क्वालिटी, बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे मुझे मिला था, मतलब बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं है एंड इट वर्क लाइक अ प्रोफेशनल ब्रश. सो डेफिनेटली चेक इट आउट फ्रॉम अमेजोन. नेक्स्ट इज अ हेयर केयर प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रांड प्लम. ये प्लम का टी ट्री डैंड्रफ फाइटिंग स्कैल्प सीरम डिजर्व लुक्स लाइक फ्रेग्रेंस फ्री है, कुछ इस तरह की पैकेजिंग आती है और ये नॉजल फॉर्म की पैकेजिंग है. आप यहाँ से ट्विस्ट करोगे ये अनलॉक हो जाएगा और फिर आप ऐसे करके लगा सकते हो. इसका बेसिकली एक एलोवेरा जेल सॉर्ट ऑफ एक टेक्सचर फील होता है, लाइक लुक एट दिस, इसका एकदम रनी एलोवेरा जेल जैसा टेक्सचर है. और ये टी ट्री बेस्ड एक स्कैल्प का सीरम है. सो अगर आपको बहुत ज्यादा डैंड्रफ के इचिनेस के इश्यूज हैं, अभी जैसे रेनी सीजन में हो जाता है ना, थोड़ा बहुत इचिनेस फील होती है, अजीब सा एक बैक्टीरिया भी हो जाता है, काफी बार बिल्डअप हो जाता है रेनी सीजन में, तो ये काफी सही है. आजकल मैं इसको कॉन्टिन्यूसली यूज कर रही हूँ. मैं मॉनसून में ना ज्यादा ऑयलिंग नहीं करती बिकॉज ह्यूमिड वेदर है, ऑलरेडी इतनी ज्यादा चिपचिपाहट है, मेरे बाल ऑलरेडी इतने ग्रीसी रहते हैं, उसमें मैं ऑयल और नहीं लगाती. मैं हेयर लेंथ पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेती हूँ ताकि नरिश रहे, लेकिन मैं स्कैल्प पर अभी बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लगाऊंगी बिकॉज मॉनसून में मुझे और ज्यादा हेयर फॉल हो जाता है ऑयल लगाने से. तो ये मुझे काफी सही लगा. मैं इसको ओवरनाइट लगा लेती हूँ, लाइक एक रात पहले लगा लेती हूँ अगर याद आ जाता है तो, शैम्पू करने से पहले, या फिर शैम्पू करने से एक या दो घंटे पहले भी लगा सकते हो. ओवरनाइट ट्रीटमेंट वैसे बेटर रहती है और अच्छे से आपके स्कैल्प सूद हो जाती है. सो इसका काम है डैंड्रफ को फाइट करना, जो भी इचिनेस होती है उसको कम करना, थोड़ा सा आपके स्कैल्प को सूद करना. ये तो मैंने मल्टीपल टाइम्स अभी फीचर किया अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी जब प्लम की सेल चल रही थी. अब तो सेल आई थिंक खत्म हो चुकी है, बट ये आप अमेजोन से भी ले सकते हो. दिस इज रियली नाइस. दिस इज सिलिकॉन एल्कोहल पैराबिन ट्रिपिन ग्लाइकोल जिंक थैलेट सल्फेट फ्री. इसमें फ्रेग्रेंस फ्री है, लेकिन जो खुशबू आती है वो एसेंशियल ऑयल टी ट्री एसेंशियल ऑयल की आती है. सो दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री बट दिस इज नॉट एसेंशियल ऑयल फ्री. मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, इसमें खुशबू आती है टी ट्री ऑयल की. सो अगर आपको एसेंशियल ऑयल की खुशबू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. या इट्स नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, हल्की फुल्की आती है जो अच्छी लगती है. दिस इज रियली नाइस फॉर स्कैल्प. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन फ्रॉम द ब्रांड प्लम. ये है प्लम के बॉडी मिस्ट इन द रेंज हवाईन रूम्बा. ये है बेबी वाला मिस्ट और ये है बड़े वाला पावा मिस्ट. सो ये मैंने आपको अपने मे की जब मैं ट्रिप पर गई थी, मैंने बैक पैक की वाली वीडियो बनाई थी व्हाट इज इन माई बैक पैक, मैंने उसमें भी दिखाया था. मैंने ट्रिप पे पूरी यही यूज की है, मतलब मैंने इसको पूरा खत्म कर दिया, ऑलमोस्ट यहाँ तक आ चुका है. सो इतना जो मैंने यूज किया ना, मैंने पूरा ट्रिप पर यूज किया है. ये आपको एक ट्रैवल किट आती है प्लम की, उसमें ये वाले छोटे वाले मिल जाएंगे, अदरवाइज आप इनका फुल साइज भी ले सकते हो. आई लव्ड इट. सो इसके जो नोट्स है ना वो थोड़े से मीठे हैं, लेकिन एक काफी अच्छी एक्जॉटिक बीच वाली खुशबू भी आती है. आई एम समवन हु डोंट लाइक वेरी स्वीट फ्रेग्रेंस, लेकिन मुझे इसकी फ्रेग्रेंस अच्छी लगी बिकॉज की जो स्वीट वाली फ्रेग्रेंस है वो इतनी ओवरपावरिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होती है. बहुत अच्छा एक परफ्यूम जैसा फील देता है. सो अगर आप एवरीडे बेसिस के लिए थोड़ा सा बीची वाला कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस देख रहे हो ना, दिस इज रियली गुड. एंड फाइनली कमिंग टू द लास्ट प्रोडक्ट, जो काफी रैंडमली मैंने अमेज़न से लिया था और इसका मैंने रील भी बनाई है, शॉर्ट्स पर भी अपलोड किया. अगर आप रेगुलरली चेक करते हो इंस्टाग्राम पे तो आपने ऑलरेडी देख लिया होगा. ये फ्रॉम द ब्रांड लेगोरेट व्हाइट चॉकलेट ब्राजीलियन वैक्स. दिस इज ऑल द ब्रांडिंग लुक्स लाइक. और ये लिटरली एकदम व्हाइट चॉकलेट जैसी लगती है. मतलब मैंने अपनी नीस का प्रैंक किया था, मैंने उसको दिखाई थी एंड शी वॉज लिटरली अबाउट टू बाइट दिस बिकॉज ये दूर से बिल्कुल व्हाइट चॉकलेट दिखती है, लाइक लुक एट दिस. लेकिन ये टूटती नहीं इजिली, मतलब पूरी बेंड हो जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं, आपको नाइफ से तोड़नी पड़ती है. सो ये ब्राजीलियन वैक्स है, ये स्ट्रिपलेस वैक्स है, इसके लिए आपको स्ट्रिप्स की जरूरत नहीं है. आप इसको नॉर्मली मेल्ट करो, अप्लाई करो, फटाफट उसी टाइम ठंडी हो, मतलब बिल्कुल जम जाती हो, फिर आप हेयर को रिमूव कर सकते हो उसी को ही खींच के. इसके लिए आपको स्ट्रिप्स की अलग से जरूरत नहीं पड़ती. सो ये ब्राजीलियन वैक्स है ना, सो आप इससे बिकनी वैक्स सॉर्ट ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैंने करके देखी, मैं वहाँ पर शेव करती हूँ, मैं वैक्सिंग नहीं करती, मुझे नहीं सूट करती. बट ये आईब्रोज के लिए, अपर लिप्स के लिए, चिन के लिए काफ़ी सही है. घर में नॉर्मली हम सबके पास माइक्रोवेव होता है, आप कांची कटोरी लो, आप एक लाइन भी तोड़ के उसमें गर्म करोगे ना, जल्दी से मेल्ट हो जाती है एक मिनट में. अप्लाई करो, उसी टाइम रिमूव भी कर लो, तो काफ़ी जल्दी क्विकली एट होम वाली वैक्सिंग हो जाती है. मैंने इससे ये वाले हैंड, ये वाला एरिया करके देखा, बिकॉज ये वाला एरिया ना मैं शेव नहीं करती. आई शेव माई हैंड्स, लेकिन मैं इतना एरिया शेव नहीं करती, मैं यहाँ पर रेजर नहीं मारती बिकॉज रेजर वाला ग्रोथ ना यहाँ पर थोड़ा सा अजीब चमकता है मेरा. तो यहाँ पर मैं वैक्सिंग प्रेफर करती हूँ. सो मैं इसके लिए जब भी क्लीन करती हूँ ना, मैं यही यूज़ करती हूँ. आप इससे ये वाला एरिया भी रिमूव कर सकते हो. काफ़ी लोगों को PCOS की वजह से हेयर ग्रोथ होता है, सो यू कैन अप्लाई इट हेयर एज वेल. काफ़ी अच्छे से रूट से बालों को निकालता है. इसका MRP 399 है, लेकिन अमेजोन पर आपको काफ़ी अच्छे डील भी मिल जाती है और ये चल भी अच्छे खासे टाइम के लिए जाएगी अगर आप छोटे छोटे एरियाज में इसको यूज़ करोगे. दिस इज नॉट फॉर योर हैंड लेग्स और बॉडी, बिकॉज बड़े एरिया पर यूज़ करोगे तो ये पूरी खत्म हो जाएगी. दिस इज जस्ट फॉर योर आईब्रोज, अपर लिप्स, चिन या फिर हाथ थोड़ा सा करना है, फिर थोड़ा सा आपको बिकनी लाइन क्लीन करनी है, उसके लिए काफ़ी सही है. थोड़ी सी निकालो, मेल्ट करो, यूज़ कर लो, गुड टू यूज़ एट होम. सो दैट इज इट फॉर माई जून फेवरेट प्रोडक्ट्स. इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, प्लस आपको एक माई हॉल स्टोर का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करना. आप ये सारे प्रोडक्ट्स एक पेज पर ही देख सकते हो विद प्राइजेस एज वेल. जो अमेजोन पे अभी डील प्राइस चल रहा है वो आपको उस पेज पर दिख जाएगा और आप इजिली शॉप भी कर सकते हो. सो डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आउट. इसके अलावा प्लीज़ फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर मोर रिव्यू.
रिव्यूज, काफी चीजों के तो मैं छोटे छोटे रिव्यूज ऑलरेडी अपने इंस्टा स्टोरीज पर कर देती हूँ और जो भी डील आती रहती है वो भी शेयर कर देती हूँ. सो उसके लिए आपको मुझे इंस्टा पर फॉलो करना पड़ेगा. एंड दैट इज टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.